जिसने तुम्हें शिक्षा दी उस बाई का नाम टीवी में क्या चलवा दिया, कोठे वाली। सावित्री बाई फूले तो कोठे वाली, और जो कोठे वाली थी उसे देवी बना दिया तुमने। ये हमारे हाथों को खा जाते हैं, एक कलम चटा चलाते हैं और कहते हैं कि ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये नौकरियों के लायक नहीं है, ये उच्च पदों के लायक नहीं है। मैं भी असल बाप की बेटी हूँ, मैं भी महात्मा ज्योतिबा फुले सम्राट अशोक और बाबा साहब की बेटी हूँ, उसी रण में आके इनको ललकार रही हूँ। क्यों जाते हैं उनके दरवाजे पे? मेरी नौकरी जब इसने केजरीवाल ने छीनी, जब मनीष सिसोदिया ने छीनी, मैं इनके दरवाजे पे नहीं गई। कि किसी भी नेता का अगर टिकट इन पार्टियों का लेके आता है तो उसका बहिष्कार कर दो। सच्ची महिला की आत्मा दुखाई थी, मैं तो घर पे बिठाया था, तुझे तो जेल में बिठा दिया। ये तेरा मेरा श्राप था तेरे को। सावित्री बाई फूले का नाम लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर नहीं देते, तो आप सावित्री बाई फूले की मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों को जानने से कुछ होगा। हेलो, मैं राजबाला सैनी एक शिक्षिका थी, 90,000 मेरी तनख्वाह थी, दिल्ली सरकार में मैं काम करती थी, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका आज भी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में ऐसे ऐसी योजनाएं बनाई जाती है ताकि सही शिक्षा इनको ना मिल सके। नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसमें बच्चे को चाहे कुछ आता है या नहीं आता उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। आप बताइए कि एक से लेकर आठवीं तक अगर बच्चों का आधार नहीं बनेगा तो क्या कोई दीवार रखी जा सकती है? आपके बच्चे नौवीं में फेल होते हैं, दसवीं में सरकारें कहती है कि टीचर जाएगा और नकल करा के आएगा, 33 नंबर का पेपर खुद नकल करा के आएगा। इस व्यवस्था के खिलाफ मैंने आवाज लड़ाई उठाई और शिक्षक दिवस के दिन क्या मेरे को सस्पेंड कर दिया इन कलम कसाईयों ने। इन कलम कसाईयों ने महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था ये कसाई है, ये हमारे हकों को खा जाते हैं, एक कलम चटा चलाते हैं और कहते हैं कि ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये नौकरियों के लायक नहीं है, ये उच्च पदों के लायक नहीं है। लेकिन मैं भी असल बाप की बेटी हूँ, मैं भी महात्मा ज्योतिबा फुले सम्राट अशोक और बाबा साहब की बेटी हूँ, उसी रण में आके इनको ललकार रही हूँ। लेकिन आप लोगों से अपील करूंगी कि मैंने नौकरी तो छोड़ी है, साथ में दो बच्चे भी छोड़ के आती हूँ। पति जो है ना इंतजार करता है घर में कि बीवी घर में आनी चाहिए, उसकी जाके डांट भी खानी पड़ती है मुझे। मैं सामाजिक, हमने जो प्रोग्राम है, हमारा जो मनोरंजन का साधन है, हमने सब छोड़ रखा है, हम कांटों भरे रास्ते पे चलते हैं। अगर आप सच्चे बाबा साहब के समर्थक हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? संदीप वाल्मीकि जी कह के गए हैं, अरे हमें इस्तेमाल करो, हम अपना लहू, एक एक लहू की बूंद आपके नाम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समय का सही इस्तेमाल करो। और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, माकपा, इनमें कोई भी एससी एसटी का नेता जाके टिकट ना मांगे। कोई भी अगर टिकट नहीं मांगे तो सिर्फ अपनी पार्टियों से मांगो। कुछ दिनों में बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी रहने वाली नहीं है, तुम्हें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं, आप क्यों जाते हैं उनके दरवाजे पे? मेरी नौकरी जब इसने केजरीवाल ने छीनी, जब मनीष सिसोदिया ने छीनी, मैं इनके दरवाजे पे नहीं गई। मैं कभी भीख के लिए नहीं चिल्लाई, मैं किसी बच्चे के पास नहीं गई कि मैं तुम्हें पढ़ाती थी और तुम मेरे बचाव के लिए आओ, मैं बिल्कुल नहीं गई। तो मैं अपील करूंगी अपने नेताओं से, मैं अपील करूंगी इस जनता से
कि किसी भी नेता का अगर टिकट इन पार्टियों का लेके आता है तो उसका बहिष्कार कर दो, नहीं तो हमारी हमारी यूं ही हालत रहेगी, यूं ही हालत रहेगी। आपको बताएं हरियाणा में क्या चल रहा है। वामन मेश्राम जी कहते हैं मैं हरियाणा में आऊंगा, वहां से नवीन जय हिंद फरसा उठा के कहता है आगे दिखा हरियाणा में, और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। लेकिन वही राजकुमार सैनी जी ने कहा था अगर किसी के बाप में हिम्मत हो तो मैं आऊंगा इनके प्रोग्राम में रोक के दिखा देना। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती पर वामन मेश्राम रोहतक में हम 24 पर आए और किसी के बाप में दम नहीं हुआ कि वहां पर आके भी खड़े हो सके। हमारे देश में तुम हमें रोकोगे? दिमाग खराब कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नई बात सुनिएगा, हरियाणा में क्या चल रहा है। कहते जी परशुराम जयंती मनाएंगे, फरसे बांटेंगे। अरे तुम तो घरों में हथियार पहुंचाओ और हमारे लोगों के हाथ में शराब की बोतल। आज वही मनीष सिसोदिया है जो मुझे कहता था ये आत्मघाती महिला ये क्या पढ़ाती होगी। अरे शिक्षा मंत्री और शराब का क्या लेना देना, तू पढ़ा है, तूने एक सच्ची महिला की आत्मा दुखाई थी, मैं तो घर पे बिठाया था, तुझे तो जेल में बिठा दिया, ये तेरा मेरा श्राप था तेरे को। इस्तेमाल कर लो हमारा, इस देश में अमेरिका में बल्ब का आविष्कार हो रहा है तो अमेरिका में हो रहा है, मोबाइल का आविष्कार हो रहा है तो बाहर विदेशों में हो रहा है, भारत में किसका आविष्कार हो रहा है? देवी देवताओं का, भूत प्रेत का, करवा चौथ का डर, पति मर जाएगा, आहुई का व्रत का डर, सिंदूर ना लगाओगे तो पति उजड़ जाएगा, चूड़ी नहीं पहनोगे तो विधवा हो जाओगे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, मेरा पति भी जिंदा है और मेरी हर बात को भी मानता है। अरे पति चाहिए तो ज्योतिबा फुले जैसा पति चाहिए। सब अगर मांगे, ज्योतिबा फुले एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। दूसरा, जब उनकी दूसरी शादी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे में कोई कमी होती, बच्चा पैदा ना होता तो क्या सावित्री बाई फुले की दूसरी शादी आप कर देते? मैं किसी भी महिला का अपमान नहीं करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। एक और नई बात, बाई सावित्री बाई झलकारी बाई, इस बाई को क्या बना दिया? इस बाई को बना दिया कोठे वाली से जोड़ दिया। जिसने तुम्हें शिक्षा दी उस बाई का नाम टीवी में क्या चलवा दिया? कोठे वाली। सावित्री बाई फूले तो कोठे वाली, और जो कोठे वाली थी उसे देवी बना दिया तुमने, उसे देवी बना दिया। ये महिलाएं मैं कहूंगी, लोग कहते हैं कि भाई SC ST से OBC बात नहीं करता, तो क्यों नहीं बात करते? क्या गौतम बुद्ध OBC नहीं थे? क्या ज्योतिबा फुले सावित्री बा फुले OBC नहीं थी? क्या ललित सिंह यादव परियार ये OBC नहीं थे? अरे मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी SC ST का बना उसने OBC के घर जाके ये नहीं कहा, क्योंकि नेता की जुतियां चाटना हम लोगों की आदत बन गई है। अगर कोई भी SC ST का नेता हमारे घरों में आता, हमें समझाता कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था और तुम्हें तो देवदासी बनाया जाता था, तुम्हें सती कर दिया जाता था, पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, अगर पेट में बच्चा होता था तो उसको भी साथ में ही जला दिया जाता था, अगर ये ज्योतिबा फुले ना होते तो तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं थे, तुम्हारा बाल विवाह होता था, विधवा विवाह भी नहीं होता था। ये अगर हमें बताते तो मैं 2015 में ना जागती, मैं पहले की सरकारी नौकरी छोड़कर और इस मुहिम में लग जाती। तो अब समय है एक साल का समय है, हमें घर से सुनना पड़ता है, बच्चों से सुनना पड़ता है, रात को औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है, मेरी व्यथा समझो, मैं डर डर के यहाँ पे बैठती हूँ। हमारा इस्तेमाल कर लो 2024 के लिए, आप अपना मुख्यमंत्री दो, राजेंद्र पाल गौतम जी ने हम मानने को तैयार है इनका मुख्यमंत्री, और हम कार्यकर्ता बनकर संदीप वाल्मीकि जी, लक्ष्मण यादव जी, हम सुमित चौहान, ये मेरे मीडिया के भाई, ये हमारी बातों को दिखाते हैं,
अगर हम गलत बोल जाते हैं तो ये हमें सही करना बताते हैं। ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मेरी जनता को मेहनत करने की जरूरत है। सड़कों पे उतरो, ढोल मंजीरे तब बजाएंगे जब मुख्य दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी हमारे भाई के हाथ में होगी या हमारी बहन के हाथ में होगी। हर विधानसभा में आप हमारी मीटिंग लगवाइए, नहीं मुख्यमंत्री बनना, नहीं विधायक बनना, लेकिन त्याग करेंगे, लेकिन अपना आदमी बना लो, क्योंकि रोज परसे और रोज। अभी आपको मैं दिखाऊं, मैं एक मीटिंग में गई, उसमें लिखा था SC ST Act मुर्दाबाद। फिर हिंदू किस बात के हुए, हम किस बात के हिंदू हुए? अगर SC ST Act खत्म हो गया तो OBC भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक हथियार दे रखा है SC ST Act। जिस दिन ये भी खत्म हो गया ना, तो फिर वही गुलामी हमें दोबारा झेलनी पड़ेगी। हमारी सुंदर औरतों को ये लोग उठा ले जाएंगे, और शादी के बाद पहले इनके घरों में 3 रातें आपकी बहुएं गुजारेंगी, और फिर आपको जो है मिलेंगी। बचा लो अपने देश को। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं समय दूंगी, लेकिन इस दिल्ली को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हम अपना सब कुछ शहीद करे बैठे हैं, अगर 2024 में आप लोगों ने अपनी सरकार नहीं बनाई, ना मुझे भाजपा चाहिए, ना मुझे कांग्रेस चाहिए, ना मुझे आम आदमी पार्टी, ना कम्युनिस्ट चाहिए। मुझे तो चाहिए, और सिर्फ चाहिए तो अपनी पार्टी चाहिए, बहुजन समाज की पार्टी चाहिए। नहीं तो हम बहिष्कार करते हैं नेताओं का, नहीं तो बहिष्कार करते हैं हम इन नेताओं का। खुले मंच पर बहिष्कार करेंगे, जान से चले जाएंगे, गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के एक एक बेटे की कुर्बानी आप अपनी जो है ना दलाली करते रहे, और बाबा साहब की उसको मिशन को मिटने नहीं देंगे हम लोग। महात्मा ज्योतिबा फुले के दर्द को मिटने नहीं देंगे। राजकुमार सैनी जी हरियाणा में अपना करोड़ों का बिजनेस छोड़कर भाजपा को लात मारकर और मिशन को जला जगाने में लगे हुए हैं। कोरोना काल में राजकुमार सैनी जी ऐसे थे जिन्होंने इन 35 करोड़ देवी देवताओं की धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य और हमारे जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने कौन सा मर्डर किया था जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी, इनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो घोटाले कर रहे हैं उनका इस्तीफा नहीं मांगते, और जो सही बात कर रहे हैं उनके इस्तीफे मांग लेते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत बहुत आप लोगों का। बस हमारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लीजिएगा, हमें दिशा निर्देश दीजिएगा, और सड़कों पर हमसे काम कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम।